सकता है, पर इसमें कोमल की यह गलती है, कोमल अपनी लाइफ लेके अलग बैठी हुई है, तो कोमल को आप इन्वॉल्व ना करो, उसको अपनी लाइफ जीने दो, पुरानी वीडियोस मत डालो, किसी का घर खराब हो जाएगा, आपको कुछ नहीं जाएगा, आपको चंद व्यूज के लिए आप ये हरकतें कर रहे हो। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, देखो हमारी बहन है वो, और बाकी स्नेहा और पारस का इशू आज नहीं तो कल उनका भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करें अरमान मलिक के बारे में, जिन्होंने कोमल ठाकरे के बारे में एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा वो मेरी बहन है और बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी जनता के सामने के सवाल रखूं कि क्या किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद करने में आपको अच्छा लगेगा कि आपका भी हाथ हो। या दोस्तों कल के व्लॉग में अरमान मलिक ने सबसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज वो लोग जो पारस और स्नेहा के झगड़े के ऊपर वीडियोज बना रहे हैं, कुछ व्यूज की खातिर कोमल को भी घसीट रहे और कोमल की माजी की कुछ तस्वीर शेयर कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि प्लीज हाथ जोड़कर आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनकी तमाम तस्वीर को या तो डिलीट कीजिए या उन वीडियोस को प्राइवेट कीजिए। आपकी वजह से किसी का हंसता बसता घर उजड़ सकता है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों अरमान मलिक ने जहाँ पर मोहब्बत जतलाई है कोमल के साथ और पारस के साथ, वहीं पर उन्होंने कहा कि स्नेहा अभी छोटी है, उसकी उम्र 20 साल है और पारस भी कोई बड़ी उम्र का नहीं है, 23 साल का जवान लड़का है, इसलिए इनका खून गर्म है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके लड़ाई झगड़े में कमी देखने को मिले और इनके भी मामला सुधर जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि प्लीज़ कोमल के बारे में वीडियोस बनाना छोड़ दीजिए, उसके माजी के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात मत कीजिए जिसकी वजह से उसकी आइंदा ज़िंदगी बर्बाद हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ करके अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस तरह की खबरें जानने के बाद अब वो लोग जो कोमल के ऊपर वीडियोज़ बना रहे थे उनको अंदाज़ा हो चुका है कि अरमान मलिक ने उनके साथ अपनी मोहब्बत को जतलाया है। और अरमान एक बहुत ही खूबसूरत नेचर के मालिक हैं, वो हर किसी का ख्याल रखते हैं, उनके दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत है और हर किसी की केयर करना अच्छे से जानते हैं। अरमान मलिक और उनकी फैमिली के बारे में आपको बताएं दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन यूट्यूबर्स होने के साथ साथ इंसानियत का ख्याल रखते हैं, उनका दर्द दिल में रखते हैं, इसलिए कोमल के हवाले से उन लोगों ने रिक्वेस्ट की है तमाम तौर लोगों से कि प्लीज़ उनके ऊपर ऐसी कोई भी वीडियो मत बनाइए जो सस्ता फेम हासिल करने का जरिया तो बन जाए लेकिन उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। हमारी भी बहुत सी बेस्ट विशेज़ है कोमल के साथ कि उनकी ज़िंदगी बनी रहे। आप क्या कहेंगे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।